नमस्कार, आप देख रहे हैं द जंतर मंतर और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर। हम बात करेंगे यहां पे किसान आंदोलन से जुड़ी, किसान जो कि करीब पिछले 2 महीने से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ, किस किस साजिश है, उस हमले को ये लोग किस नज़रिए से देखते हैं, हम बात करेंगे, इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप खटाना। कहाँ से हैं आप? गौतम बुद्ध नगर से। सर बताइए, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, किस नज़र से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ उपद्रवी उसमें घुस आए हैं या किसी की सोची समझी चाल थी? ये बीजेपी की सोची समझी चाल थी। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? एक बात बताओ, लाल किले पे जहाँ मक्की भी नहीं जा सकती, वहाँ 150 आदमी 50 आदमी कैसे पहुँचे ये बताइए मेरे को। उनकी चाल ही उन्होंने पहले बैरिकेड खोल रखा था और अंदर पहुँचा दिए वो। काफ़ी तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग अचानक से हिंसक हो चुके हैं, अचानक से कुछ लोग सर हिंसक हो चुके हैं, पुलिस वालों को लाल किले के पीछे खाई में कूद के जान बचानी पड़ी। कितना ताल्लुकात रखते हैं उस वीडियो से? उस वीडियो से बिल्कुल ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उस वीडियो का और जो हमारे ट्रैक्टर मार्च का टाइमिंग भी देख लो। आपके माध्यम से सारी चीज़ें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। अब किसान कोई दोषी मत बनाओ उस चीज़ में। जब वो पुलिस वाले दीवार 20 फुट की दीवार दाग रहे हैं, उस टाइम तो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू भी नहीं किया था। क्या आपको लगता है ये प्रशासन के फेल्यूर है? बिल प्रशासन की फेलियर नहीं है, ये सरकार का और प्रशासन का मिला हुआ प्लान था। जो संबंधित लोग हैं, आपको लगता है इस घटना में, ये जो घटना हुई, हिंसक घटना हुई 26 जनवरी के दिन, इसमें सरकार और प्रशासन मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है। सर आप इनकी बात से कितना ताल्लुकात रखते हैं? सही बोल रहे हैं हमारे। आज करीब किसान आंदोलन का 2 महीने से ऊपर दिन से आप लोग यहाँ पे 66 दिन हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने को तैयार हैं। आखिर कब तक आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे तीनों कानून वापसी नहीं हो जाएंगे। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कहाँ से हैं सर आप? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर से क्या क्या बताएं आप? गौतम बुद्ध नगर भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत के नोएडा महानगर सचिव बेली भाटी। सर क्या आपको लगता है कल जो कुछ भी हुआ, टीवी पे चला राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में जान फूंक दी, इस बात से आप कितना ताल्लुकात रखते हैं? इस बात से ताल्लुकात रखते हैं बाबा के दो आंसू से 2 लाख आदमी आ गए यहाँ, और जो सिसौली में पंचायत हुई है उसमें 12 लाख आदमी। क्या आपको लगता है किसान आंदोलन का बैकबोन राकेश टिकैत जी हैं? जी राकेश टिकैत जी ही है, राकेश टिकैत जी के पीछे ही आंदोलन। कब तक आप यहाँ पे बैठे रहे? जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को जो हुआ उसको आप किस नज़र से देखते हैं? उसमें सारी साजिश बीजेपी की थी। जब लाल किले पे जब मोदी जी भाषण दे के गए थे, उसके बाद जब झंडा पैर जहाँ लाल किले पे इतनी फोर्स होती है, मक्खी भी वो नहीं कर सकती, तो उसके बाद वो आदमी कहाँ से बढ़ गया उसमें? वो बीजेपी का ही तो आदमी था, अमित शाह के वोट साथ में, उसके मोदी जी के साथ में है, सनी देओल के साथ में है, सनी देओल का स्टार प्रचारक रहा है। सरकार ने कोई कार्रवाई की उस पे? सरकार ने कोई अपनी तरफ से बयान जारी किया अब ये हमारा आदमी है नहीं है? गृहमंत्री के साथ मेरा तो फोटो नहीं आज तक। मैं भारतीय किसान यूनियन का NCR उपाध्यक्ष हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मेरा गृहमंत्री के साथ फोटो खिंच जाए। कोई नज़दीकी आदमी तो होगा, फिर गृहमंत्री जी खुद क्लियर क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, हम पे तो NSA लगा रहे हो, हमारे वीजा जब्त कर रहे हो। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल हम आप लोग सबसे एक ही सवाल लेना चाहेंगे, क्या 26 जनवरी को जो भी हिंसक घटना हुई उसमें क्या आप लोग मानते हैं कि किसान उस हिंसा में नहीं थे? किसान उस हिंसा में नहीं थे। क्या उस हिंसा में किसान नहीं थे, इस बात को आप दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ कह सकते हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ और बिल्कुल आपके माध्यम से मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, किसान का बिल्कुल भी उसमें कोई रोल नहीं है। किसान ने कहीं किसी के घर में ईंट पत्थर फेंका हो, अपनी गाड़ी से किसी की गाड़ी तोड़ी हो, ट्रैक्टर तोड़ा हो, किसी एक पेड़ तक नहीं तोड़ा किसान ने। किसान तो जैसा गया अपने रूट से वापस आया। किसी की दुकान से अगर एक मूंगफली भी किसान ने चुराई हो तो बताओ अपनी धरोहर। तो ये थे हम गाजीपुर बॉर्डर से, इन लोगों की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। इनका कहना है, सरकार का कहना है एक तरफ कि हम इन कानून को वापस नहीं लेंगे, संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब आने वाला समय ये तय करेगा क्या आंदोलन दबेगी, क्या सरकार झुकेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए जंतर मंतर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान।